अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैर खड़े होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। वो सरप्राइज़ दोस्तों हमारा आ चुका है, वो इस बॉक्स में है। हमारा सरप्राइज़ इस बॉक्स में है, वो आपको हम दिखाते हैं। आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों अब हम बॉक्स खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैं बॉक्स खोलने लगा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये दोस्तों मैंने खोल दिया, ये देख सकते हैं, ये हम पिजन लाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। जी हम दोस्तों हमारे हम कल ही ले आए थे, ठीक है, और रात को हमने ऐसे ही बॉक्स रखा हुआ था। दोस्तों हमने फिर रात को हमने खोल वैसे चेक करने के लिए इनको निकाला था, तो इसमें से हमारा जो ये वाइट वाला जो मेल बोर्ड है ना, इस तरह का एक मेल और था, वो दोस्तों हमारा उड़ गया फिर। और जो ये रेड दो फीमेल हैं दोस्तों, ये हमने कट्ठी इसलिए हमने दो फीमेलें ली हैं क्योंकि हमारे जो वाइट वाले थे ना, उनके साथ हमने कहा कि एक जैसे चलो अच्छे नहीं लगते, चलो अलग अलग होते ज़्यादा अच्छे, फिर मुख्तलिफ किस्म के बच्चे निकलेंगे, इसलिए हमने ये पेयर इस तरह रख लिया। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनके जो पाँव पे जो बाल है ना, ये मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं। दोस्तों मैंने अकरम को कहा था कि चले हम ना कोई दूसरे ले जाते हैं, सादे पिजन ले जाते, जंगली टाइप ले जाते हैं। तो उसने कहा वो जंगली हैं, चले वो उड़ जाएंगे, तो ये फैंसी टाइप ले लो। मैंने कहा सिर्फ फैंसी लेने लक्के ले लो, वो लक्कों पर मान ही रहा था, उसको ये वाले बड़े पसंद आ गए थे, जो रेड वाले हैं ना, ये दोनों फीमेल भी भाई के पास थी, तो उसको ये बड़े पसंद आ गए थे। मैंने दोस्तों फिर मैंने अकरम का अकरम फिर आप फीमेल है तुम पसंद कर लो, फीमेल मैं पसंद कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने फिर दो मेल लिए थे, दोनों इस तरह के थे। लक्का एक ज़रा ये वाला ज़रा क्रॉस में है, थोड़ा सा लक्का है, वैसे लक्का ये भी प्योर ही है, मगर थोड़ा सा मुझे लगता है क्रॉस में है क्योंकि इसकी पूछ ना थोड़ी सी नीचे है। और दूसरा था उसने फुल ऊपर उठाई हुई थी, वो बहुत प्यारा मेल था। तो दोस्तों वो हमारा कल उड़ गया, वो नज़र ही नहीं आया, पता नहीं किधर को चला गया, वरना हमें नज़र आता है इंशाल्लाह वो ले आते पकड़ के, मगर पता नहीं किस साइड को चला गया। थोड़ा सा शाम टाइम पर हो रही थी ना इसलिए। और दोस्तों फिर वो जो फीमेल है उसके लिए चलो हम नया मेल ले आएंगे। और दोस्तों मुझे तो लक्के बहुत पसंद लगते हैं, इसलिए मैंने फिर लक्के ही लिए थे। ये देखें कितना प्यारा मैं लक्का लेके आऊँ। ये दूसरा था वो बहुत खूबसूरत था। दोस्तों जो हमारे ये कॉकर है ना, इनके लिए हमने बॉक्स का ढूंढा था, बहुत ढूंढा, मगर हमें ना जो ये लवबर्ड के अंदर जो छोटा सा लगा हुआ है ना, इसी साइज़ का हमें मिल रहा था बाबर, तो हमने फिर छोड़ दिया है। तो अक्रम कह रहे थे कि चलो जैरूम हम खुद बना लेंगे, क्योंकि उस साइज का मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है हम फिर खुद बना लेंगे, तो वो भी कह रहा था बना लेंगे, तो अब इंशाल्लाह हम खुद ही बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ रही हैं, ब्रीड भी इनकी अब जल्दी होनी चाहिए क्योंकि इनका पेड़ बना हुआ है। तो बॉक्स का बहुत टेंशन हो रही है मुझे इनकी बॉक्स की, तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनका बॉक्स बना लेंगे। और दोस्तों जो हमारे लव बर्ड हैं देख सकते हैं, अभी नज़र आ रहा था अंदर भी चले गए, इन्होंने अंडे दे दिए मेरे अंदर, इंशाल्लाह इनके बहुत जल्द बच्चे निकलेंगे। और दोस्तों हमने ये जो अपने चिक्स हैं ये आज हमने छोड़े ही नहीं हैं, क्योंकि आज हम ज़रा काम से बाहर गए हुए थे, कल भी गए हुए थे और आज भी हम ज़रा गए हुए थे। और दोस्तों क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बहुत तेज़ सूरज निकला हुआ है बाहर, बहुत तेज़ है सूरज आज। और दोस्तों बहुत गर्मी है और इसलिए मैंने छोड़े नहीं इनके, देख सकते हैं आप इसलिए पार्क देखे कैसे खोले हुए हैं अपने मेल में, इसकी वजह से हमने इनको छोड़ा नहीं है। और दोस्तों हमारे फिर गोश्त ये बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, वो देखें कैसे लेटा हुआ है, देखें कैसे लेटा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये फीमेल भी है, ये देखें यहाँ पर लेटी हुई है। दोस्तों मुझे शक पड़ता है कि दोनों हमारे ना मेल हैं, हमने ना कंफर्म करवाया भाई से, तो भाई ने भी बताया कि कहते वो मेल हैं, किसी ने आपको ना ये दोनों मेल भेज दिए, तो जिसे हमने मंगवाए हैं उनको हमने दोबारा फ़ोन करके कहा है कि हमें एक मेल हमसे ले जाएं और हमें एक फ़ीमेल दे जाएं। तो वो कह रहे थे चले जिस दिन हमारा चक्कर लगे इंशाल्लाह हम ले आएंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब तक आपका जो मेल है वो हमारे पास अमानत है आपकी, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारी ये मेल फीमेल भी आ जाएगी, वो कल इंशाल्लाह इस तरह का मंगवाएँगे या इनसे हो सके मुख्तलिफ मंगवा लेंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसको देखें, इसको तो गर्मी नहीं लग रही, इसको पता नहीं कितनी गर्मी लग रही है। और दोस्तों हमने ना आज अपने छोटे चिक्स भी नहीं छोड़े, ये देख सकते हैं कैसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों तीनों। और इसके देखिए हमने खोल दिया केज, ये देख सकते हैं आप, वो चले गए, वो चले कैसे भाग रहे हैं, वो देख सकते हैं आप, वो जा रहे हैं, वो देखें वो चले गए हैं वहाँ पर घूमते रहते हैं। और दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं, वो देखें हमारा जो लव बर्ड है, देखें कैसे मुझे ना छुप छुप के देख रहा है, अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा इसने अंदर चल जाना, वो देखें अंदर चला गया। मुझे इन पर बहुत गुस्सा चढ़ता है, हमसे क्यों डरते हैं पता नहीं, हमने इनको पकड़ के मारना है, तो देखिए दोबारा वो थोड़ा सा मुंह करके देख रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा ये शेरन का जो पेयर है, दोस्तों इन्होंने जो अपना बच्चा एक बच्चा था इनका, उन्होंने वो मार दिया होगा, पता नहीं उनका गायब हो गया मट्टी के अंदर से, मुझे तो ये फीमेल ने उसको फीड नहीं कराई, शेर मार गया, उन्हें नज़र ही नहीं आया और बकाया रखते अंडे इसके ख़राब हो गए हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है दोस्तों, इसने पता नहीं क्या अपने बच्चे के साथ किया, एक बच्चा बहुत मुश्किल से निकाला था इसने, इसकी जो बैठी हुई थी ऊपर,
इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अभी दोबारा बच्चे दे देंगे। और दोस्तों जो हमारी ये फिंचीज हैं दोस्तों, ये पता नहीं ब्रीड ही नहीं कर रही, पता नहीं किस लिए नहीं कर रही, इनका तो पेड़ बना हुआ है मगर इन्होंने देखे वो अंदर नेस्टिंग भी थोड़ी सी की हुई है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, वो देखिए फीमेल अभी अंदर से बाहर आई है। और दोस्तों एक हमने ऐसी चिक्स यहाँ बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पे हमने ज़रा कुछ और पिजन के लिए मैंने केज खाली किया, इसलिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस केज में देखें मैंने ये खाली कर दिया क्योंकि इसमें छोटे चूहे मैंने सुबह छोड़ दिए थे, तो अब मैंने उनको भी निकाल दिया, उनको हम दोबारा ये फिंचर्स वाले केज में डाल देंगे और उसमें हम पिजन अपने रख देंगे। और दोस्तों जो हमारे ये शेडियन बर्ड्स हैं दोस्तों, ये हम ब्रीड तो करते नहीं हैं, आप जैसे देख सकते हैं कि सारे जो चिक पे बैठे हैं सारे मेल हैं। जो फीमेल्स हैं वो जो दो तीन हैं नीचे देख सकते हैं आप, दो तीन फीमेल्स हैं बकाया सारे मेल्स हैं। एक भाई के साथ हमारा रबता हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द ले जाऊँगा, पता नहीं है वो कब आते हैं, कब हमसे ये शेडियन बर्ड्स ले जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ले जाएंगे वो, फिर उनके पास हो सकेगा ब्रीड कर दें। जो हमारे सेटअप पे क्योंकि मटकी भी हमने एक लगाई है, मगर कोई भी फीमेल उसके अंदर नहीं जाती, पता नहीं क्यों, हमने पहले ज़्यादा लगाई हुई थी वो हमने फिर उतार ली। जैसे वो फिंचेस के केज में हमने लगाई है ना, वैसे हमने इसमें भी लगाई हुई थी सारी, हमने उतार ली क्योंकि ब्रीड तो फिर भी नहीं काटी। और जो ये येलो फीमेल है ना, ये जो नीचे बैठी हुई है दोस्तों, ये हमारे पास ब्रीड करती थी, पता नहीं इसने भी ब्रीड बंद कर दी है। और दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे जो ये पिजन है ये थक गए हैं क्योंकि कल रात के हमने बॉक्स में इनको रखा हुआ है, हमने निकाला ही नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई केज भी खाली नहीं था। हम जल्दी जल्दी में हमने बॉक्स एक साइड पर रख दिया, मुझे पता नहीं चला कि हमने पिजन लाए हैं कि नहीं लाए, तो दोस्तों हमने उसमें वहाँ एक साइड पर रख दिया तो वहीं पर रहे, अब हमने निकालना है इनको जाके। और दोस्तों इसलिए आप देखें बॉक्स में इनको मैंने पानी भी डाल दिया, अभी इन्होंने पानी भी पिया है, वो देख सकते हैं आप ये बोतल में देखे पानी है, इन्होंने पानी भी पिया और अब इनको थोड़ा सा मैं दाना फेंकता हूँ ताकि खा लें थोड़ा सा। दोस्तों मैंने थोड़ा सा दाना फेंका है मगर कोई खाने नहीं आया। अब दोस्तों जो हमारे जो मेल है वो खा रहा था, देख सकते हैं आप खा रहा है, तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सेटअप ये सेटल हो जाएंगे और ये ब्रीड भी करेंगे। और दोस्तों जो हमारा ये जो पेड़ है ना ये वाला दोस्तों, ये हमने पेड़ बना देना है इनका और इसके लिए हम मेल नया लगाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे लोग बाहर दोनों आ गए हैं, जो मेल है वो देखिए फीमेल को खाना खिला रहे हैं, देख सकते हैं मतलब इन्होंने बच्चे निकालने हैं, पता नहीं बच्चे तो आवाज तो आते नहीं है। चलो मैं कल बॉक्स खोल के देखूंगा तो देखेंगे कि इनके अंडे हैं कि बच्चे हैं, काफ़ी दिनों से जा रहे हैं, मतलब तो इन्होंने अंडे ही होंगे जब ऐसी फीमेल बाहर आई है, क्योंकि इतनी जल्दी तो इन्होंने अंडे देने लिखे हैं, दिए भी होंगे तो अंडे दिए होंगे बच्चे नहीं दिए होंगे, फिर इतने अभी तो महीना भी नहीं हमारे सेटअप पर आए तो इन्होंने बच्चे निकाल दिए, कभी नहीं हो सकता। दोस्तों वहाँ हमने अपने मुर्गियों वाले सेटअप के चलते हैं और देखते हैं मुर्गियों की क्या सूट के हाथ। दोस्तों मैं पहुंच गया और दोस्तों ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारी ये पागल मुर्गी है ना दोस्तों, ये जो जब से हमने अलग किया है वब से हमें ना दो अंडे दे चुकी है, इसने दो अंडे दिए हैं वब से, और दोस्तों इसने अलग अंडे देने स्टार्ट किए मुर्गी के साथ, अंडे मुर्गी के साथ ही अंडे देती नहीं थी पता नहीं क्यों। और दोस्तों जो नीचे ये जो हमारा मुर्गा है दोस्तों, इसके लिए हमने इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू मुर्गी भी लाएंगे। और दोस्तों जो हमारी ये ब्लैक वाली मुर्गी है, अक्रम ने ज़िबा करने देता मैं कर देता अभी तक, मतलब मैंने ज़िबा कर लेनी थी। और दोस्तों ये देख सकते हैं इसके ऊपर पता नहीं ये क्या है, मांस इसका कैसे ऊपर खोया हुआ है, इसको पता नहीं क्या हुआ है, देखता हूँ इसको मैं निकाल के ना थोड़ी देर तक देखता हूँ। दोस्तों मैं नेक्स्ट फील्ड में जाने लगा, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये एंटर हो गया हूँ मैं अंदर, दोस्तों मैं केज के अंदर एंटर हो गया हूँ, ये देख सकते हैं जो हमारे ये देसी मुर्गी है ना, इन्हों में देख सकते हैं आप, इसने इन्होंने भी आज अंडा नहीं दिया, इनको मैंने दोस्तों दाना तो डाल दिया हुआ सुबह से मगर इन्होंने आज अंडा नहीं दिया, इंशाल्लाह ये सुबह अंडा देगी। और दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमारा ये पायलट के अब मैं केज में एंटर हो गया हूँ, ये देख सकते हैं सामने हमारा ये पायलट खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है इसको आज बड़ा खुश हो रहा है। और दोस्तों वो उसकी फीमेल भी वो सामने खड़ी हुई है, इन्होंने शायद अंडा दिया हो, देखते हैं दोस्तों वो देख सकते हैं वो अंडा पड़ा हुआ है। दोस्तों मैं अंडा भी उठाता हूँ, दोस्तों मैंने अंडा उठा लिया, हम दोस्तों बाहर जाते हैं, इसके ऊपर हम ना नाम, इस अंडे के ऊपर हम ना नाम वगैरह लिख के रख लेते हैं ताकि जब भी अभी मुर्गी जब कुड़क हो उसके नीचे अंडे रख दें। और दोस्तों मैं नेक्स्ट केज में जाता हूँ और वहाँ भी देखता हूँ वहाँ की क्या सूरत हाल है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट केज में एंटर होने लगा हूँ, ये देख सकते हैं आप, दोस्तों ये देख सकते हैं सामने हमारा ये थाई क्रॉस का मुर्गा आ गया। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये मुर्गी हमारी कुड़क हो गई है, लेकिन आज कैसे बैठी हुई है, इसने पता नहीं 7 से 8 अंडे दिए हैं और ये कुड़क हो गई है, मगर दोस्तों मैंने इसको नहीं उठाना क्योंकि ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, दोस्तों थोड़ी सी ना ये कमज़ोर हो गई है, इंशाल्लाह इसको अगली बार बिठाएंगे, इस बार तो नहीं बिठाएंगे। और दोस्तों अब मैं नेक्स्ट केज में चलता हूँ क्योंकि जो हमारी ब्लैक वाली मुर्गी है हम लेकर उठी हुई है। दोस्तों मैं नेक्स्ट केज में जाने लगा हूँ, मैं देख सकते हैं आप एंटर हो गया हूँ मैं, दोस्तों मैं केज के अंदर तो आ गया हूँ,
ये सबसे पहले हमारी ये ब्लैक मुर्गी आ गई आगे, आज उठी हुई है क्योंकि इस टाइम ये अब उठती है रोज, देखते हैं दाना तो नीचे काफ़ी गिरा हुआ है, वो देखें वो जाने लगी दोबारा, पता नहीं कब से उठी हुई चीज निकल गई है, वो जाने लगी है दोस्तों, वो देख सकते हैं अंडे काफ़ी हो गए हैं इंशाल्लाह काफ़ी थोड़े दिन तक बच्चे भी निकल आएंगे इसके, और दोस्तों देखें इसके बैठते देखते हैं कैसे है, पूरे अंडे अपने नीचे कवर करती है पहले, फिर ऊपर आराम से बैठती है मुर्गी, क्योंकि बड़ी मुर्गी है इसलिए सारे अंडे अपने नीचे कवर जल्दी कर देती है। अब दोस्तों मैं अपने ना बर्ड वाली साइड की तरफ चलता हूँ, दोस्तों मैं अपने बर्ड वाली साइड की तरफ पहुँच गया हूँ, और दोस्तों आज की वीडियो इतनी ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कर दिया करें, और दोस्तों आपने ज़रूर बताना कि हमारा जो सप्लाई पिजन का था वो सामने बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप, और दोस्तों आपने बताना कि वो आपको कैसा लगा, और दोस्तों अभी के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।